हार्मोन्स का बढ़ना या कम होना शरीर के किसी भी हिस्से को ग्रसित कर सकता है। वैसे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा हार्मोन्स होते हैं और यदि हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो शरीर पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव होने लगते हैं। इसी तरह की हार्मोन्स की समस्या हिर्सुटिज्म यानी कि महिलाओं के शरीर पर अनचाहे बालों का उगाना हिर्सुटिज्म कहलाता है। हिर्सुटिज्म किसे कहते हैं, ये किस कारण से होने लगते हैं एवं इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। इसमें महिलाओं के चेहरे पर बांह पीठ एवं सीने पर अनचाहे बाल उगने लगते हैं जिसे हिर्सुटिज्म कहते हैं। पुरुषों के चेहरे पर बालों का उगना पूरी तरह से सामान्य बात है लेकिन वही बाल जब किसी महिलाओं के चेहरे पर उगने लगते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आमतौर पर देखा जाए तो महिलाओं के चेहरे पर पुरुषों की तरह दाढ़ी बाल नहीं उगते हैं लेकिन कुछ महिलाओं के चेहरे पर अनचाहे बाल उगने लगते हैं। इसके कारणों के बारे में और जान लेते हैं और ये समस्या किस वजह से होने लगती है। महिलाओं में ये समस्या एंड्रोजन का लेवल सामान्य से ज्यादा बढ़ जाने के कारण होती है। कुछ बीमारियों के कारण महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन का स्राव इतना ज्यादा होने लगता है जिसके कारण उनके शरीर में पुरुषों के जैसे बाल उगने लगते हैं और कुछ महिलाओं में तो उनकी आवाज पुरुषों की तरह भारी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं किन किन हार्मोन डिसीज के कारण हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS ये हिर्सुटिज्म होने का सबसे बड़ा एवं प्रमुख कारण है। इसकी वजह से महिलाओं में बहुत तेजी से एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है जिसकी वजह से बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। PCOS से ग्रसित महिलाओं में मंथली सर्कल की भी बहुत ज्यादा समस्या आती है। ओवेरियन ट्यूमर गर्भाशय में ट्यूमर का होने की वजह से भी एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है जिससे शरीर में अनचाहे बाल उगने लगते हैं। ये एड्रेनल ग्रंथि से जुड़ी समस्याओं के कारण भी होने लगती है। इसमें शरीर में एड्रेनल ग्रंथि किडनी के ठीक ऊपर होती है। इसका प्रमुख कार्य हार्मोन का स्राव करना होता है। जो महिलाएं कैनिट्रल एड्रेनल हाइपरप्लासिया से पीड़ित होती है उनमें हार्मोन का उत्पादन करने वाले एंजाइम की कमी होने लगती है जिससे महिलाओं के गालों पर बाल बहुत ज्यादा उगने लगते हैं। गर्भावस्था और मेनोपॉज़ अवस्था में मेनोपॉज के दौरान भी महिलाओं के शरीर पर कई तरह के हार्मोन्स बदलाव होने लगते हैं जिसकी वजह से भी चेहरे पर बाल बढ़ जाते हैं। कुशिंग सिंड्रोम महिलाओं में कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा होने की वजह से भी कुशिंग सिंड्रोम डिसीज से पीड़ित हो जाती हैं और इसी वजह से महिलाओं के चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल उगने लगते हैं। अनुवांशिक कारण ये एक अनुवांशिक बीमारी भी है। यदि परिवार के पहले किसी व्यक्ति को हिर्सुटिज्म की समस्या थी तो आपको भी ये समस्या होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। मेडिसिन कुछ महिलाओं को मेडिसिन के कारण भी ये समस्या होने लगती है जैसे एनाबोलिक स्टेराइड टेस्टोस्टेरोन मिनोक्सिडिल आदि के कारण भी हार्मोन्स बदलाव होने लगते हैं जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म की समस्या बढ़ जाती है। यदि आप चाहती हैं समस्या से छुटकारा पाना तो हार्मोन प्रॉब्लम को बैलेंस बनाने के लिए आपको एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब जो हार्मोन्स की खराबी का इलाज करते हैं या फिर आप डर्मालोजिस्ट जिसे त्वचा रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं उससे मिलकर इलेक्ट्रोलोसिस या लेजर थेरेपी से आप अनचाहे बालों को निकलवा सकती हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आप खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।